अपलोड करनी है, अगर उनमें कोई मसला है तो लेक्चर आप देख सकते हैं। मेथड हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या है कि दो इक्वेशन हमें देती हैं, इक्वेशन वन में एक्स और वाई है और इसमें भी एक्स वेरिएबल है, हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, दो इक्वेशन में दूसरा कौन सा वाई वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, एक्स की और वाई दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और मेथड कौन सा जगह का यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा अब क्या करते हैं, हम फ्रॉम इक्वेशन वन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब हमारे पास ऐसा है कि थ्री एक्स इज इक्वल टू टू, ये जो प्लस सेवन है जो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस सेवन आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, थ्री जो है ये भी उस तरफ हम ले जाते हैं, टू माइनस सेवन वाई डिवाइड बाई थ्री। अब अगर इसको मैं इक्वेशन ए कह दें तो अब आप देखिए तो इस वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि जो इक्वेशन वन थी उसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल एक साथ थे, एक लेफ्ट साइड पे थे और दोनों आपस में ऐड हो गए थे। इस वाली इक्वेशन हमने क्या किया, इक्वेशन वन को ले हमने लिया और इसमें से एक्स जो है वेरिएबल उसको बिल्कुल सेपरेट कर लिया, जो कांस्टेंट और वाई वेरिएबल था उनको हमने क्या कर दिया, अलग कर लिया, यानी कि आपका जो एक्स है उस पूरी इक्वेशन में से अलग हो गया और एक्स के अलावा जो बाकी वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर थे वो अलग हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई अवर थ्री इन इक्वेशन टू, यानी जहां पे हमें एक्स नजर आ रहा है इक्वेशन टू में, इस जगह हम इस जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उस जगह एक्स के साथ ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। आगे देखिए हमारे पास सिक्स है, सिक्स लिख दिए, आगे क्या है, एक्स है, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, टू माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बाई थ्री माइनस माइनस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है पहले से लिख लेते हैं, फोर माइनस इलेवन वाई इज इक्वल टू फोर। अब देखिए क्या होगा, माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस इलेवन हो गया, दोनों को भी माइनस करते हैं मिलकर एक नंबर बन गया और इक्वल के दूसरी तरफ फोर एज इट इज। अब ये हो जाएगा कि फोर ये वाला फोर इधर ले आओ, माइनस फोर और ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस इलेवन वाई, ताकि ये वाई के साथ जो माइनस है ना वो खत्म हो जाए, इसलिए इस वाले को वाई को हम इधर लेंगे। देखिए प्लस फोर और माइनस फोर दोनों कैंसिल होंगे जीरो, ये प्लस इलेवन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वाई, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, जीरो। अब हम क्या करेंगे, पुट इन ए, पुट इन ए, ए में आप वैल्यू पुट कर दें जहां आपको ए नजर आ रहा है, ये देखिए ए आपके पास, ये क्यों, ताकि एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाए, टू माइनस सेवन वाई की जगह जीरो डिवाइड बाय थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू टू सेवन जब जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो जगह थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू टू बाय थ्री। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, एक्स और वाई दोनों जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर। अब हम क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं यहाँ पर इक्वेशन वन में पुट करके, आया आपके हमारी जो दो वैल्यू निकली है वो ठीक है या नहीं। देखिए हमारे पास क्या थ्री है, एक्स एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टू बाई थ्री प्लस सेवन वाई प्लस सेवन वाई की जगह जीरो इज इक्वल टू टू। ये देखिए ये थ्री थ्री से कट काट दें, ये ऊपर टू है, ठीक है ये टू, क्योंकि एक्स की वैल्यू है टू बाई थ्री, ये देखिए टू बच गया और ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो इज इक्वल टू टू, तो टू इज इक्वल टू टू। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि जो इक्वेशन है लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, तो इस तरह हमारे दो वेरिएबल है एक्स और वाई उनकी ये जो दो वैल्यू हमने फाइंड की है वो ठीक फाइंड की है। अभी हमारे पास ये तो पार्ट सी था, अब हम यहाँ पर पार्ट क्या फाइंड करते हैं, डी फाइंड करते हैं। पार्ट डी हमारे पास है नाइन एक्स प्लस टू वाई, नाइन एक्स प्लस टू वाई, नाइन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया,
9x + 2y = 5 आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। और 7x - 3y = हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया, हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन 2 आ गया। इसी तरह जैसा कि हमने क्या किया इक्वेशन पिछले क्वेश्चन में किया, हम इक्वेशन 1 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 9x = 5 - 2y, यानी ये जो 9 प्लस 2 है उधर जाकर 2y माइनस को 2y हो गया, x इधर ही रहा 5 - 2y डिवाइड बाय ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब अगेन जैसा कि हमने यहां पर किया कि x को बिल्कुल अलग कर दिया इस पूरी इस वाली इक्वेशन से, इस तरह ये हमारे पास जो x वेरिएबल था इस पूरी इक्वेशन से हमने x वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, बाकी के जो वेरिएबल y और कांस्टेंट था उसको अलग कर दिया। अब इसी वैल्यू को हमने क्या करना है पुट इन 1 करनी है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके साथ, आप इसी तरह यहां पे जैसे मैंने किया सब्स्टिट्यूट x = दिस ब्लॉक क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूट x = 5 - 2y / 9। अब देखो जगह मेरे पास नाम है तो मैं एक स्टेप नहीं करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा 2 में 7 x है x ले लेंगे, ये जो x है ना यहां पर इससे मैं ये वाली वैल्यू में पुट कर लेता हूं 5 - 2y / 9 - 3y इसी तरह आ जाएगा। और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया 13। अब देखिए यहां पर यहां देखिए यहां ठीक है टेबल 6 पे ज्यादा कटिंग हो गई, लेकिन यहां पे तो कटिंग नहीं होगी, 9 का टेबल तो 7 पे नहीं जाता या 7 का टेबल 9 पे नहीं जाता, तो इसलिए क्या करेंगे हम पहले 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 से 35, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 से 14 y और 9 एज इट इज आ गया -3y = 13। अब आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई 9 ऑन बोथ साइड कर दें, मल्टीप्लाई 9 ऑन बोथ साइड। अब देखो मल्टीप्लाई 9 ऑन बोथ साइड से करेंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाए ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 35 - 14y / 9 - 9 मल्टीप्लाई बाय 3y = 9 मल्टीप्लाई बाय 30। अब देखो क्या हुआ कि इक्वल किस तरह एक आपके पास ये टर्म का वैल्यू थी उसके साथ ही देखो 9 मल्टीप्लाई हुआ ये 3y था, ये इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू अलग है इसलिए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस वाली वैल्यू से भी 9 मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह इक्वल की दूसरी तरफ भी 9 मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए कट गया तो कितना आ गया 35 - 14y - 9 = 27y = 170। अब ये देखिए दोनों आपस में इनको ऐड किया तो 41 हो गए, और ये जो अब ये ऐसे रहेंगे ये 35 जो है 170 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 41 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम 170 से देखिए जब हम निकालते हैं 7 में से 5 गए 2 7 से 2 8 11 में से गए जी तो 8 बचे कितना आ गया -82 = 41y। अब क्योंकि हमें y चाहिए तो अब हम क्या करेंगे -82 डिवाइड बाय 41 = y, तो 41 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास -2। अभी देखो जो माइनस का साइन क्यों लगा क्योंकि 170 बड़ा है 82 से। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या जाता है कि हमें इसी को पुट कर देना है a पुट इन a पुट a पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x = 5 - 2। देखिए y है y की जगह हमें 2 पुट करना है 2 और माइनस का 2 है और 9 एज इट इज तो x = 5 ये वाला माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2 * 4 और 9 तो x = 9/9 काट के 1 x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमने क्या करना है चेक करना है कि ये हमारे पास कोई मान है इसे वैल्यू पुट कर देते हैं 9 x की जगह 1 प्लस 2 y की जगह कितना है -2 = 5 9 * 9 प्लस माइनस माइनस 2 * 4 = 5 9 में से 4 गए 5 = 5। देखिए लेफ्ट और राइट हमारे पास दोनों क्या आ गई इक्वल होगी जिसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू हमारी ठीक होगी। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका पार्ट सी दे कर लिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।